108 राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा द्वारा सोलन क्षेत्रीय अस्पताल के नर्सेज प्रशिक्षण केंद्र सभागार में स्टाफ नर्सेज और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल की 30 स्टाफ नर्सों ने भाग लिया। दो दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा के प्रमुख कार्यालय हैदराबाद से आए हुए मुख्य प्रशिक्षक रामेश कुमार और परमेश्वर ने प्रशिक्षुओं को हृदय रोग से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने हृदय गति रुकने पर लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है उसके बारे में प्रशिक्षुओं से स्वयं प्रयोग करवाया, ताकि किसी भी व्यक्ति की समय रहते जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। साथ ही प्रशिक्षुओं को प्रसव करवाते समय आने वाली समस्याओं से निपटने के गुण भी सिखाए गए। बहुत यूजफुल प्रोग्राम है ये, क्योंकि सडनली कार्यक्रम हो सकते हैं कभी भी। ये एक CPR प्रोग्राम है, वो कैसे करने का, कब करने का वो मालूम पड़ेगा। इज अ गुड प्रोग्राम। CPR है, CPR मीन्स सी मीन्स कार्डियक, दैट इज हार्ट, पल्नर मीन्स लंग्स, एंड रेसिस्टेशन ये रिवाइवल, पुनर्जन्म। हम तो जब CPR दे रहे हैं ना, द ब्लड फ्लोज टू द हार्ट एंड टू द लंग्स सो दैट इट रीचेस टू द ब्रेन, सो द वाइटल ऑर्गन विल रिवाइव अगेन। दिस इज द मेन फॉर CPR। पहले भी हम CPR करते थे, लेकिन इस बार जो ट्रेनिंग में है वो कुछ नए टाइप से सिखाया गया है CPR, जिससे हमें काफ़ी बेहतर वो रिजल्ट मिल सकते हैं। कि इस तरह की ट्रेनिंग से हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो भविष्य में भी ऐसी ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए, ताकि जो है नई स्किल्स हमें पता लग सकें। इसमें हम लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि सडनली हम लोग कहीं ट्रैवल करें, किसी बस में हैं या कहीं और जा रहे हैं, कोई हमें पेशेंट मिलता है जो अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोश है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो हम किस तरह से उसकी जान बचा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर इस तरह की ट्रेनिंग्स होती रहेंगी तो मे बी जो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 5% तो ऐसे लोग होंगे जिनकी जान हम बचा सकते हैं।